हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बिंद्रे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 टॉपिक चल रहा था, उसके लगभग सारे के सारे मेजर पोर्शन आपके कवर हो चुके हैं। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे एक है आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे शिक्षाएं, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य, ऐसे थोड़े छोटे मोटे टॉपिक और बचे हुए हैं। तो लगभग 3 से 4 वीडियो में आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी समय से आप लोग का डिमांड रहा है कि छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडी के टॉपिक भी चालू किए जाए, तो आज हम थोड़ा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को चालू करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के एकदम बेसिक या एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना चालू करूंगा। यदि आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं या आप छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडी को पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसके छत्तीसगढ़ के मैप बनाना आना चाहिए। आप में से बहुत लोगों का एक आदत है कि छत्तीसगढ़ का जो बुक में मैप दिए रहते हैं या वेबसाइट में जो मैप दिए रहते हैं, वैसे ही आढ़े टेढ़े लकीरों वाले मैप को आप समझने का या याद करने का कोशिश करते हैं। यदि आपको ड्रॉ करने बोला जाए तो आप वैसे ही एज इट इज आड़े टेढ़े लाइन वाले ही आप मैप बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आपको बाद में उसी मैप को बिना देखे बनाने के लिए कहा जाए तो आप वो शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि वो मैप को बना पाए। तो आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मैप को बनाए कैसे। क्या होता है कि कई बार छत्तीसगढ़ पीएससी हो या व्यापम हो, ऐसे बेसिक प्रश्न उठा देता है छत्तीसगढ़ के मैप से ही कि उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न 27 जिले हैं, उस 27 जिलों को मैप पर हम बनाएंगे। देखिए, आज जो मैं आपको मैप बना रहा हूँ या बता रहा हूँ, उसमें आप छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के आधार पर उस मैप को जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम बस ये देखेंगे कि कौन कौन सा जिला किस किस पोजीशन पे मौजूद है और वह जिला आसपास किन किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, हम केवल उस पर जोड़ देंगे। तो आप ये मत देखिएगा कि ये वाला जिला बड़ा हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, जिला बड़ा दिख रहा है, ये जिला छोटा दिख रहा है। तो आप इसे क्षेत्रफल के आधार पर इस मैप को जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। बस ये देखिए कि कौन सा जिला सही पोजीशन पर अपना है या नहीं, या सभी अपने आजू बाजू के जिलों को सही तरीके से स्पर्श कर रहा है कि नहीं, आप इसे देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है आपका छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल, वही घिसा पीटा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 135194 स्क्वायर किलोमीटर, कई बुक में आपको देखने मिलेगा 135191 स्क्वायर किलोमीटर, 135192 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग ये आसपास है आपका 135194 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हेक्टेयर में हम बात करें तो 138.7 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है हेक्टेयर में। इस क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत का 10वां बड़ा राज्य है, है ना। छत्तीसगढ़ जो क्षेत्रफल के आधार पर है भारत का 10वां बड़ा राज्य है। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा है, जो भी मैंने आपको रेड कलर में लिखे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत का 10वां बड़ा राज्य है। नेक्स्ट आता है आपका स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, ये अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति होता क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी में ये दो भाग में बटा हुआ है, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखिए, ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पैरेलल ये जो लाइन खींची जाती है, ये सारी की सारी है आपकी अक्षांश रेखा। 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ऊपर तरफ ये कुल 90 रेखाएं हैं और नीचे तरफ आपकी सेम वैसे ही 1, 2, 3, 4 ऐसे करके करके आपका टोटल 90 रेखाएं हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या टोटल है आपकी 180। तो देखिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचा जा रहा है, ये है आपकी अक्षांशीय रेखाएं, ठीक। अब वैसे ही आपकी आती है देशांतर रेखाएं। तो जैसे ये है आपका ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो देखिए आपको अलग से बता देता हूँ, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसके पैरेलल जो लाइन खींची जाती है, ये है, ये होती है आपकी देशांतर रेखाएं। मतलब वर्टिकल जो आपकी लाइन होती है आपके आप यदि आप ग्लोब को देखेंगे तो उसमें वर्टिकल लाइन जो है वो होती है आपकी देशांतर रेखाएं। तो जैसे ये 0 से चालू है, वैसे ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये टोटल यहाँ तक 90 है, वैसे इधर से आपका 0, 1, 2, 3, 4 करते करते यहाँ से 90 है आपका,
इधर 90 और ये आपके ग्लोब के पीछे 90, यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है आपका 360। देखिए यहाँ आपका आया 0 से लेकर 90 तक पहुँचा, फिर पीछे जाकर के आपका 180, वैसे यहाँ 0 से लेकर 90 पहुँचा, पीछे जाकर के आपको आपका ये हो जाता है 180। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हो जाती है इस तरीके से आपका 360। तो जैसे ये हो गया आपका ग्लोब, तो जो हमारा भारत है, भारत मौजूद है आपका यहां पर। तो यदि आपसे ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए किस गोलार्ध में स्थित है, यदि गोलार्ध पूछा तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि उसका एग्जैक्ट पोजिशन पूछा जाए किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत यहां मौजूद है तो हमारा छत्तीसगढ़ भी यहीं पर मौजूद होगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ किस गोलार्ध में स्थित है पूछा जाए, तो हमारा छत्तीसगढ़ या तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आपका बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपका टोटल 90 तक जाता है। तो वही है आपका यहाँ पे, देखिए ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। तो सबसे पहले ये समझिए कि ऊपर बढ़ रहे हम, तो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है और ये ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तर में जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसे कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं, दक्षिण में जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसे कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसे कहा जाएगा आपको उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो ये छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति है उसे तो पहले आप ये समझिए कि जो उसका अक्षांशीय स्थिति है वो है आपका उत्तरी अक्षांश, समझ गए। देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश रेखाएं हैं, इसलिए इसे कहा जा रहा है आपका उत्तरी अक्षांश। तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय स्थिति है वो है आपका उत्तरी अक्षांश। यदि आपसे प्रश्न में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश ऐसे टाइप के अलग अलग ऑप्शन के साथ आएंगे। तो आप इसे समझिएगा, ये एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपका गोलार्ध है तो गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत और छत्तीसगढ़ मौजूद है। तो इसीलिए अब ये आपकी अक्षांशीय रेखाएं जब इसके पैरेलल चल रही है तो अक्षांशीय रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय रेखाएं भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगी। अब देखिए जैसे ये आपकी ये वर्टिकल लाइंस वाले देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर है, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 ऐसे करके 90 बढ़ेंगे, पीछे तक आपके 180 जाएंगे, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है 360। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी मौजूद है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यदि हम इधर देखेंगे तो ये आपका 0 डिग्री से इधर बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा आपका पूर्व ईस्ट। तो हमारा छत्तीसगढ़ जब यहाँ मौजूद है तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर। ठीक, देशांतर रेखाएं यदि हम देखें तो देशांतर रेखाएं यहाँ पे कहलाएगी पूर्वी देशांतर। तो इसलिए समझते चलिएगा छत्तीसगढ़ कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी में यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि उत्तरी अक्षांश क्या है और पूर्वी देशांतर क्या है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका देगा सेम टू सेम, आपको आंकड़े भी सेम रहेंगे, सब चीज सेम रहेंगे, लेकिन आपको घुमाना हुआ तो आपको ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में घुमा देगा। ऑप्शन में फेर बदल कर सकता है, उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश कर देगा, पूर्वी देशांतर की जगह आपका पश्चिमी देशांतर कर देगा, तो ऐसे हो सकता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ मौजूद है, ये 0 डिग्री से चालू हुआ तो 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचेगा कहाँ, 90 तक, यानी ऑर्डर ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर है आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार है। 0 डिग्री से 90 की ओर बढ़ रहा है, मतलब देखिए पोजीशन यहाँ से नीचे से चालू हो रहा है आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार है। अब देशांतर कैसे बढ़ रहा है, देशांतर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन चालू है, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ से चालू होता है आपका 0 डिग्री से, तो यहाँ आपका आ गया
80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। तो देखिए ये प्रश्न आपका व्यापम उठा चुका है और उसमें जो उसने ऑप्शन दिया था, जैसे मैंने आपको बताया पूर्वी देशांतर को पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश, ऐसे करके अधिकतर हमारा आदत क्या होता है, हम क्या याद करते हैं, इन आंकड़ों को याद करते हैं। 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट ये हो गया आपकी अक्षांशीय स्थिति, और 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट ये हो गया आपका देशांतर स्थिति। लेकिन पूरा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप, कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि यदि हम उसकी देशांतर स्थिति देखेंगे तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 15 मिनट आपका पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय स्थिति है। ठीक, अब हम देखते हैं मैप काटना। तो देखिए अब हम थोड़ा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न जिले हैं उन जिलों का कहां कहां पर कौन सा जिला मौजूद है, कौन सा जिला किन जिलों को स्पर्श करता है, उस जिले का पोजीशन कहां पर है, उसे थोड़ा देखिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना खुद का एक स्वयं का मैप बनाइए, या जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो आप अपना खुद का ऐसा मैप बनाइए और उसे इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको वो मैप, यदि एग्जाम में इस मैप से संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है और उसमें यदि आपको डाउट क्रिएट लगे तो आप खुद का अपना मैप मुश्किल से 30 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर कहीं पे भी रफ में एकदम एक्यूरेट मैप बनाए। यदि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या छत्तीसगढ़ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाना जरूरी है, आप हर चीज़ों को लिख के याद नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही आपको एक सजेशन है कि यदि आप छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका मैप का प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आज अभी मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ के जिलों पर, पहला चीज आपको फिर से बता दे रहा हूं, इसे क्षेत्रफल के आधार पर जज मत कीजिएगा, केवल हम ये देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहले देखिए इसको 5 संभाग में बांट दीजिए, ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ऊपर तरफ वाला हो गया आपका सरगुजा संभाग, उसके नीचे ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग, ये हो गया आपका दुर्ग, ये हो गया आपका रायपुर संभाग। ठीक, तो हम नीचे से बढ़ते हैं। देखिए जब हमारा बस्तर सबसे पहले जो विभाजित हुआ था वो 3 भाग में विभाजित हुआ था, ये है आपका उत्तरी बस्तर, यहाँ से है आपका मध्य बस्तर, और नीचे तरफ था आपका दक्षिण बस्तर। तो ये जो उत्तरी बस्तर है, उत्तरी बस्तर को कहा जाता था आपका कांकेर, मध्य बस्तर उस समय का बस्तर था, और जो नीचे वाला पोर्शन था ये था आपका दंतेवाड़ा। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉप कीजिएगा और इधर से एक लाइन इधर, तो ये हो गया आपका नारायणपुर और ये हो गया आपका बीजापुर। ठीक, अब देखिए यहाँ से ऐसे एक कर्व नीचे, वैसा ही एक कर्व ऊपर, तो ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया सुकमा, ये हो गया आपका बस्तर, और ये हो गया आपका कोंडागांव। देखिए कैसे कट रहा है, सबसे पहले आप 3 भाग में काटिएगा, एक हो गया आपका उत्तर बस्तर, फिर मध्य बस्तर, फिर दक्षिण बस्तर, फिर आप मध्य बस्तर को काटिएगा, एक कटा नारायणपुर, उसके नीचे से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये होगा आपका बीजापुर, एक कर्व जो कि छोटा वाला हिस्सा है आपका दंतेवाड़ा, इधर वाला है बस्तर कोंडागांव, और ये हो गया आपका सुकमा। अब देखिए ये है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका कवर्धा, ये हो गया राजनांदगांव। ठीक, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे से यहां पे खींच दीजिए, ये हो गया आपका बेमेतरा, ठीक यहां से एक लाइन और, ये हो गया आपका दुर्ग, और ये हो गया आपका बालोद। अब देखिए ये आपका दुर्ग संभाग खत्म, सबसे पहले एक लाइन हम यहां ड्रॉप किए,
तो ये हो गया आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव को छोटा सा पोर्शन निकाल दिए, ऊपर हो गया आपका कबीरधाम या कवर्धा, फिर इस लाइन से थोड़ा सा नीचे में किए तो ये हो गया आपका ऊपर तरफ बेमेतरा, नीचे तरफ दुर्ग, तीन पोर्शन में बांटना है, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ठीक है। कितने हो गए टोटल? पांच जिले, बस्तर संभाग में सात जिले हैं और आपका दुर्ग संभाग में है पांच जिले। अब देखिए, अब चलते हैं हम रायपुर संभाग की ओर। इस बेमेतरा के सेंटर पॉइंट से सेम देखिए ऐसे थोड़ा कर्व, जैसे हम यहां पे काटे थे वैसे थोड़ा कर्व पोर्शन में काटिएगा। ये हो गया आपका बलौदा बाजार, बीबी बलौदा बाजार। अब इस बलौदा बाजार के कॉर्नर से देखिए, यहां पे गलती मत कीजिएगा, यहां से एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा, यहां पर देखिए इस पोर्शन पे इसके ऊपर कीजिएगा, फिर दुर्ग के सेंटर से एक हाफ बीच में से सेंटर में से एक सीधा लाइन खींचिए। ये हो गया आपका रायपुर और ये हो गया आपका धमतरी। ठीक, रायपुर धमतरी दो जिले और बच रहे, रायपुर के फिर सेंटर से एक लाइन सीधा खींच दीजिए। तो ये हो गया आपका महासमुंद और ये हो गया आपका गरियाबंद, महासमुंद गरियाबंद। तो रायपुर में कौन कौन से जिले हैं? एक है आपका बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। दुर्ग में राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। इससे क्या है आपको जिलों का पोजीशन के साथ साथ जिलों के नाम भी याद हो जाएंगे। बस्तर संभाग में सात जिले, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। ठीक, अब यहां देखिए बिलासपुर संभाग में है आपके पांच जिले और पांच में से चार जिले ऐसे हैं जो आपका बलौदा बाजार यानी रायपुर संभाग के बलौदा बाजार की सीमा को स्पर्श करते हैं। कोरबा को छोड़ करके बिलासपुर संभाग के सारे जिले आपके बलौदा बाजार की सीमा को टच करते हैं, इतना याद रखिएगा। तो देखिए यहां है आपका मुंगेली, तो मुंगेली के लिए एक लाइन यहां ड्रॉप, बलौदा बाजार की सीमा को टच कर रहा है। दूसरा, यहां से बिलासपुर ऊपर तरफ कोरबा, नीचे थोड़ा इसको नीचे कर लीजिए, ऊपर तरफ कोरबा और ये रायगढ़। देखिए ये हो गया आपका मुंगेली, ये बिलासपुर, ये कोरबा, जांजगीर चांपा और ये हो गया आपका रायगढ़। ठीक, बिलासपुर संभाग के चार जिले कोरबा को छोड़कर, बिलासपुर संभाग में जैसे आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में पांच संभाग है, पांच संभाग में से एक अकेला बस्तर है जिसमें सात जिले हैं, बाकी बचे चार संभाग जिसमें पांच पांच जिले हैं। तो बस्तर संभाग के पांच जिलों में से चार जिले कौन कौन से? मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा। रायगढ़, कोरबा नहीं है, कोरबा को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जिले आपके बलौदा बाजार की सीमा को टच करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे कर्व लाइन है, एक ठोक आपका परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन से एक आप खींच दीजिए, ये सेमी सर्कल। ठीक, सेमी सर्कल से एक वर्टिकल लाइन सीधा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, बाकी एक लाइन यहां ड्रॉप कर दीजिए। तो ये जो सेमी सर्कल वाला है ये हो जाएगा आपका सरगुजा, इधर वाला हो गया आपका जशपुर, ये हो गया आपका बलरामपुर, ये हो गया आपका सूरजपुर, ये हो गया आपका कोरिया। देखिए मैप को दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिए, सब बनेंगे। जैसे देखिए अगर मेरे को इसको रफली एकदम बनाना हुआ, यदि प्रैक्टिस सही है तो देखिए कैसे इतना जल्दी बन जाता है। एक तो कैसे आउटलाइन बस खींचना पड़ेगा, ये देखिए बस ऐसे फटाफट आपको खींचना है, एक लाइन ड्रॉप यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन ऐसे, फिर उसके बाद ऊपर से फिर दो संभाग इधर बना दिए, इधर एक संभाग बना दिए, ये देखिए एकदम चीजें आपसे फटाफट बननी चालू होगी।
ऐसे। तो यदि आपका प्रैक्टिस रहा तो आप प्रैक्टिस के आधार पर बहुत कम समय में आप एक मैप तैयार कर सकते हैं। तो आप मैप बनाइए छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों के साथ, एक मैप बनाने का कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। आप ये देखिए कि आप कितने से कितने कम समय में एकदम एक्यूरेट मैप बना सकते हैं, ठीक। तो आपको एग्जाम में यदि इससे कोई भी प्रश्न पूछा गया तो आप उस तो आप एकदम मैप तैयार करके तुरंत आप अपना एकदम करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, ये केवल रटने वाली चीज़ें हैं और से भी अब इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। तो आप पहले तो ये आप देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे पूछ लेगा आपको बलौदा बाजार से कुल कितने जिले की सीमा स्पर्श होती है। तो आप यदि काउंट करेंगे तो देखिए बेमेतरा एक, मुंगेली, बिलासपुर तीन, जांजगीर चांपा चार, रायगढ़ पांच, महासमुंद छह, रायपुर सात। कुल 7 जिलों की सीमाएं आपका बलौदा बाजार से स्पर्श होती है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ दिया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कितने अन्य जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो आपसे बताना होना चाहिए आपका बेमेतरा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा जिला रायपुर की सीमा को स्पर्श नहीं करता, उसमें आपसे 3-4 ऑप्शन दे दिया कि आपसे बेमेतरा, बलौदा बाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालू, तो उसमें क्या है हमको कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि सीमा स्पर्श करता है नहीं करता है। यदि आप वो टेढ़े मेढ़े आउटलाइन वाले मैप को रटने जाएंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगेगा कि ये चीज़ें स्पर्श कर रही है नहीं कर रही है। तो देखिए मैप को जहाँ तक हो सके सरल तरीके से बनाइए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चीज है आपका भू आवेष्टित जिले। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक्ड, छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जो किसी भी प्रकार की अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ जो कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है उसका पहले पोजिशन देख लेते हैं। देखिए यहां पर है आपका आंध्र प्रदेश, इधर है आपका तेलंगाना, राजनांदगांव के नीचे से है आपका महाराष्ट्र, ये है आपका बलरामपुर, बलरामपुर में ये देखिए यहां है यूपी, यूपी के इधर है आपका झारखंड, एक आपका यहां जसपुर से काटिएगा, देखिए यहाँ पे एक जसपुर से काटना है, यहाँ पे एक राजनांदगांव से काटना है, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट, एक सुकमा, सुकमा एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, और दूसरा है आपका बलरामपुर जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया आपका MP, मतलब बलौदा बाजार आपका MP, यूपी और झारखंड की सीमा को टच कर रहा है, और ये हो गया आपका उड़ीसा, ठीक। अब देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श, छत्तीसगढ़ की सीमा को कुल 7 राज्य स्पर्श करते हैं, कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और यूपी। कितना हो गया, 3, 3, 6 और 1, 7। छत्तीसगढ़ की सीमा को कुल 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो यह है उड़ीसा। एक आपका जसपुर, रायगढ़ 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4। देखिए धमतरी, मैंने आपको यही बताया था कि इस मैप को बनाते समय इसे याद रखिएगा, यहाँ पे धमतरी देखने पे तो ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार से किसी भी बाहरी राज्य को स्पर्श नहीं करता, लेकिन इसकी थोड़ी सी सीमा ऐसी है जो कि उड़ीसा को टच करती है, इससे ही प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि धमतरी आपका उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो कितना हो गया, जसपुर 1, रायगढ़ 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, कोंडागांव 6, बस्तर 7, सुकमा 8। यानी उड़ीसा कुल छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा कौन बनाती है, तो सबसे छोटी सीमा बनाती है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगभग कुल आपका छत्तीसगढ़ की कोंटा तहसील सुकमा में, सुकमा के कोंटा तहसील में लगभग 12 किलोमीटर के एरिया में ये कुछ छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। पहले यूपी था लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद अब हो गया है आपका आंध्र प्रदेश। तो देखिए
छोटी सीमा कौन बना रहा है आपका, आंध्र प्रदेश सुकमा में। पहली बात तो ये एरिया देखिए, लंबी सीमा यानी ये कितने बड़े एरिया पे छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ना ही एमपी करता ना ही महाराष्ट्र करता है, उड़ीसा बहुत लंबी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। अब ऐसा कौन सा बड़ा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है? क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को क्षेत्रफल के आधार पर स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड ऐसा छोटा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर छोटा राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। अब देखिए मैं आपको क्या बताया था, भू आवेष्टित जिला इंग्लिश में से बोलेंगे लैंड लॉक्ड एरिया। ऐसे जिले जो किसी भी अन्य राज्य के साथ या किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते भू आवेष्टित जिले कहलाते हैं। देखिए कौन कितने, छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? 9। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन से? देखिए एक है आपका दंतेवाड़ा, दूसरा बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चापा, कोरबा और ये है आपका सरगुजा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 जिले ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के भीतर मौजूद है और ये किसी भी अन्य राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को जो स्पर्श करने वाले राज्य है उसकी, वो अन्य राज्यों की सीमा को ये स्पर्श नहीं करते। यदि आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है तो वो है आपके 9। आपसे ऑप्शन में रेंडमली ऑर्डर में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भू आवेष्टित जिला नहीं है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा दंतेवाड़ा, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार और इधर दे देगा आपका सरगुजा। ठीक, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि धमतरी, ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपका भू आवेष्टित जिला नहीं है। तो यदि आपका मैप का प्रैक्टिस नहीं रहा तो आप ये धमतरी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे और आपको लगेगा कि बलौदा बाजार की सीमा स्पर्श करता है कि नहीं करता है। तो देखिए बहुत थोड़ी मात्रा में आपका धमतरी जो है उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है, तो उसका आंसर लिया गया था धमतरी एक ऐसा जिला है जो कि भू आवेष्टित जिला नहीं है। अब अगला आता है अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करने वाले जिले। छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास मौजूद राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? यदि आपका 9 जिले ऐसे हैं जो कि अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते तो छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से यदि आप 9 जिलों को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 18 जिले जो आपके बचे हुए हैं, जिसे मैंने शेडो किया है। उसके अलावा जितने भी आप जिले देख रहे हैं तो ये सारे के सारे जिले छत्तीसगढ़ के आसपास मौजूद 7 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं या उनकी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए इन सारे चीज़ों को याद कीजिएगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन यदि ये इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो ये काफ़ी आसपास के जिलों को ऑप्शन में डालता है जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न में इस तरीके के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या 9, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 27 माइनस 9 मतलब हो गया आपका 18 जिले। देखिए अब ये सब चीज़ तो था आपका बेसिक प्रश्न। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो हमारे जियोग्राफी का क्लासेस चलेगा उसमें मैं आपको केवल ऐसे प्रश्न बताऊँगा जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ट्रेडिशन क्वेश्चन जो कि पूछे जाते रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे संभावित प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भू आवेष्टित जिले से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, हम ऐसे पूरे बेसिक लेवल पर नहीं जाएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो सी हॉर्स या हिप्पो कैंपस के जैसे दिखता है। तो इस तरीके के बेसिक प्रश्न ये पहले के एग्जाम में आते थे लेकिन अब पीएससी एकदम इसी तरीके के जैसे इस पोर्शन से ही आपका प्रश्न उठाना हुआ उसको तो कुछ ज़्यादा ही घुमा के पूछ देता है। देखिए जैसे हमारे पिछले पीएससी सीजीपीएससी प्री 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है,
किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। देखिए पहली बार ये प्रश्न पढ़ने पे एकदम अटपटा लगा था, लगभग सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में थे। यदि हम इस प्रश्न को एकदम इजी लेवल में देखना चाहे तो ये प्रश्न किस तरीके से बनेगा, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है, या छत्तीसगढ़ के सुदूर दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है, या छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। लेकिन उसने उसी इजी क्वेश्चन को घुमा दिया, कैसे, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। तो इसमें क्या है, लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूजन में थे कि आंध्र प्रदेश स्पर्श करता है कि तेलंगाना स्पर्श करता है। लेकिन देखिए आंसर लिया गया है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नीचे से देखिए, ये है जैसे ये है आपका नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है, किस राज्य की उत्तरी सीमा यानी आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है या दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती है। तो प्रश्न वही बेसिक प्रश्न ही है लेकिन पूछने का तरीका पीएससी ने चेंज कर चुका है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस मैप को याद करिए, क्वेश्चन आता है तो उसे मैप को बनाइए। कई लोग क्या होते हैं जिलों को बना लेते हैं या जिले का मैप उन्हें बनाना अच्छे से आता है लेकिन आजू बाजू की जो सात राज्य की सीमा कहां कहां से स्पर्श कर रही है उसे वो अपने मैप में नहीं बनाते या उसे याद नहीं करते। तो देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, मध्य प्रदेश की किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। इसमें क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश राज्य है, उस मध्य प्रदेश राज्य की किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, उसमें प्रश्न को कई लोग उल्टा भी समझ लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ किस दिशा में मध्य प्रदेश स्थित है। तो उसमें जब ऑप्शन आता है दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, ऐसे अगर चार ऑप्शन आते हैं तो भी इसमें गलत होते हैं। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के ही लगाइएगा कि मध्य प्रदेश की किस दिशा में छत्तीसगढ़ मौजूद है। ये आपके मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ मौजूद है, ईस्ट साउथ यदि देखा जाए इस डायरेक्शन में तो किस दिशा में मौजूद है, ये मौजूद है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा तीन राज्यों को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ में किस जिले की सीमा तीन राज्यों को स्पर्श करती है, ये प्रश्न पूछा गया था आपका सीजीपीएससी प्री 2016 में। तो इस प्रश्न का आंसर उस समय लिया गया था बलरामपुर, जो ऑप्शन दिया गया था उसमें एक बलरामपुर ऑप्शन में था। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तेलंगाना बनने के बाद दो राज्य ऐसे हैं आपका बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर किस किस की सीमा को स्पर्श करता है, बलरामपुर आपका स्पर्श करता है, एक है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड। सुकमा किस किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, एक है आपका तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। ठीक, तो ये सारे प्रश्नों को याद कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैप बनाइए, मैप को प्रैक्टिस कीजिए, दो बार तीन बार बना के प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न इस सेक्टर से पूछे जाते हैं, पहले इजी प्रश्न पूछे जाते थे, अब प्रश्न पूछे जाने का लेवल बढ़ चुका है। तो मेरा सजेशन यही है, मैप का प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।